हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकिफिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे IDFC फर्स्ट बैंक के फर्स्ट मिलेनिया क्रेडिट कार्ड के बारे में कि इस क्रेडिट कार्ड के क्या फीचर्स है, इस क्रेडिट कार्ड में हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, ये क्रेडिट कार्ड हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस क्या हैं। तो आप लोगों को इस वीडियो से IDFC फर्स्ट बैंक के फर्स्ट मिलेनिया क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरी जानकारी मिल जाने वाली है। तो आइए वीडियो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स से। तो सबसे पहले तो मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा इनके रिवॉर्ड प्रोग्राम से कि आपको इस क्रेडिट कार्ड में कैसे रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, कितने रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, कैसे उनका कैलकुलेशन होता है, क्या सिस्टम होता है। तो हर 150 रुपये पे एक रिवॉर्ड पॉइंट कैलकुलेट किया जाता है, मतलब हर 150 रुपये खर्च होने पे एक रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिलेगा। आप चाहे इस क्रेडिट कार्ड से कितना भी खर्च करें, हर 150 रुपये पे एक रिवॉर्ड पॉइंट, यहाँ पे कैलकुलेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। और आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स कैसे मिलते हैं, कितने मिलते हैं, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। और जो एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू होती है वो 25 पैसे के बराबर होती है। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन और ऑफलाइन परचेस करते हैं तो फिर आपको ऑनलाइन परचेस करने पर 6x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं और ऑफलाइन परचेस करने पर 3x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आपने इस क्रेडिट कार्ड से महीने में यानी कि पर मंथ 20,000 रुपये तक खर्च किए हैं तब तो आपको 6x एंड 3x का पैटर्न देखने को मिलता है, मतलब कि 6 गुना और 3 गुना का पैटर्न देखने को मिलता है। ऑनलाइन परचेस करने पे, मतलब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने पे, ऑनलाइन खरीदारी करने पे आपको 6x मतलब कि 6 गुना रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। और जैसे कि मैंने आप लोगों को कैलकुलेशन के बारे में पहले ही बता दिया है कि हर 150 रुपये पे एक रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है, एक रिवॉर्ड पॉइंट कैलकुलेट किया जाता है। तो इस तरह से अगर हम देखें 6 गुना तो हर 150 रुपये पे हमें 6 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं अगर हम इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ऑनलाइन परचेस के लिए करें, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए करें तो। और ऑफलाइन में हमें 3x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, मतलब कि 3 गुना रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। तो उनका कैलकुलेशन आप जो अपने हिसाब से कर ही सकते हैं, तो मैंने आपको एग्जांपल बता दिया तो उसी एग्जांपल पर आप सेट कर सकते हैं। तो बहरहाल इस तरह से आपको इस क्रेडिट कार्ड में रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। ये तो मैंने बताया कि अगर आपने पर मंथ मतलब कि महीने भर में 20,000 रुपये तक खर्च किया है तब आपको ये 6x एंड 3x का पैटर्न देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपने इस क्रेडिट कार्ड से पर मंथ मतलब कि महीने भर में 20,000 रुपये से ज़्यादा खर्च कर दिए हैं तो फिर आपको 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे और आपके बर्थडे वाले दिन भी 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप अगर महीने भर में 20,000 से नीचे का ट्रांजेक्शन करेंगे, 20,000 से नीचे का आपने स्पेंड किया हुआ है तो फिर तो वो 6x एंड 3x वाला पैटर्न फॉलो होगा। लेकिन अगर आपने वही 20,000 रुपये से ज़्यादा खर्च कर दिए तो फिर आपको 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, मतलब कि इंक्रीमेंटल स्पेंड पर आपको ज़्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं इस क्रेडिट कार्ड से। और याद रहे कि आपके बर्थडे वाले दिन भी आपको 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो। और ये जो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं ये अनलिमिटेड होते हैं, मतलब इन पर कोई कैपिंग कोई लिमिट नहीं होती है। तो जितना चाहें आप इससे ट्रांजेक्शन करें आपको जो है भरपूर रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, उनकी कोई लिमिट नहीं होगी, कोई कैपिंग नहीं होगी उन पर। और ये जो रिवॉर्ड पॉइंट्स होते हैं आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं पेमेंट के लिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों, मतलब कि अगर आप ऑनलाइन परचेस कर रहे हैं, कुछ ट्रांजेक्शन वगैरह कर रहे हैं तो आप उन रिवॉर्ड पॉइंट्स का इस्तेमाल करके पेमेंट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको इन स्टोर मतलब कि ऑफलाइन पेमेंट करना है तो आप उन रिवॉर्ड पॉइंट्स का इस्तेमाल करके पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिन पे आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलते हैं, जैसे कि फ्यूल, इंश्योरेंस, EMI और कैश विड्रॉल्स, इन पे आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। इसके अलावा रेंटल और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के ट्रांजेक्शन्स पे आपको 3x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, ये 10x की कैटेगरी में नहीं आएगा, भले आपने महीने में 20,000 से ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर दिया हो और उसके बाद आप रेंट पेमेंट वगैरह कर रहे हो तो ऐसा नहीं होगा कि उस पे 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, उस पे आपको जो है 3x रिवॉर्ड पॉइंट्स ही मिलेंगे। और रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करने के लिए आपको मैं बता दूं कि 99 रुपीज़ मतलब 99 रुपये प्लस GST चार्ज लगता है। खैर ये तो मैंने आप लोगों को रिवॉर्ड सिस्टम के बारे में बता दिया जो कि अभी का इनका रिवॉर्ड सिस्टम है। आगे चलकर अगर बदल जाए तो इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हुआ क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड मैंने नहीं बनाया है। और ये सब कुछ बैंक के जरिए तय किया जाता है कि कितना रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा और उसकी वैल्यू क्या होगी, ये सब कुछ बैंक तय करता है। अब मैं आप लोगों को ज्वाइनिंग बेनिफिट्स के बारे में बता दूं कि अगर आपने कार्ड जनरेशन के 90 दिनों के अंदर अंदर मतलब कि कार्ड इशू होने के 90 दिनों के अंदर अंदर 15,000 रुपये या फिर 15,000 रुपये से ज़्यादा इस क्रेडिट कार्ड से खर्च कर दिया तो फिर आपको 500 रुपये का वाउचर मिलेगा। इसके अलावा कार्ड जनरेशन के 90 दिनों के अंदर अंदर अगर आपने इस क्रेडिट कार्ड से फर्स्ट EMI किया, पहली बार EMI किया कार्ड मिलने के 90 दिनों के अंदर अंदर, तो फिर आपको 5% कैशबैक मिलता है जिसमें कि आपको मैक्सिमम 1,000 रुपये तक का कैशबैक मिलेगा। और अब बात करें प्रिविलेजेस के बारे में तो इस क्रेडिट कार्ड से पेटीएम मोबाइल ऐप के थ्रू अगर आप मूवी टिकट परचेस करते हैं, बुक करते हैं तो आपको 25% मतलब 25% डिस्काउंट मिलता है जिसमें कि आपको जो डिस्काउंट मिलेगा वो 100 रुपये तक का ही होगा और ये आपको महीने में सिर्फ एक ही बार मिलता है। और आपको इस क्रेडिट कार्ड से पर क्वार्टर यानी कि हर तिमाही में
4 कॉम्प्लीमेंट्री रेलवे लॉन्च विजिट्स मिलते हैं, मतलब कि 4 बार आपको रेलवे लॉन्च का एक्सेस मिलता है, विजिट मिलता है कि आप 4 बार जो है हर तिमाही में, हर 3 महीने में रेलवे के लॉन्च में एक्सेस ले सकते हैं, विजिट कर सकते हैं इस क्रेडिट कार्ड से। इस क्रेडिट कार्ड में आपको 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलता है, जिसमें कि आपको महीने में मैक्सिमम 200 रुपये का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा। इसके अलावा 300 से ज़्यादा आपको मर्चेंट ऑफर्स मिलते हैं हर साल, और आपको 20% तक का डिस्काउंट मिलता है 1500 से ज़्यादा रेस्टोरेंट्स में, और आपको 15% डिस्काउंट मिलता है हेल्थ और वेलनेस आउटलेट्स पे, और आपको 2,00,000 रुपये का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर मिलता है, और 25,000 का कार्ड लाइबिलिटी कवर मिलता है। लेकिन ये जो आपको इंश्योरेंस कवर मिलता है, ये तभी वैलिड होगा अगर आपके क्रेडिट कार्ड से 30 दिनों के अंदर अंदर कोई एक ट्रांजेक्शन हुआ हो। इसके अलावा आप अपने ट्रांजेक्शन को EMI में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपका ट्रांजेक्शन 2500 रुपये से ज़्यादा का, यानी कि 2500 रुपये से ज़्यादा का है, तो फिर आप उसको EMI में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, उनमें भी आपको इंस्टेंट EMI की फैसिलिटी मिलती है, तो आप EMI करा सकते हैं इस क्रेडिट कार्ड से। और अब बात कर लेते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना बहुत आसान है, आप इस क्रेडिट कार्ड को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप डिस्क्रिप्शन चेक करिए, लिंक पर क्लिक करिए और इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करिए। आपको सारी अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करनी होती है तो बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। तो आप फटाफट से जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपको उस टाइम पर बता दिया जाएगा कि हाँ आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं है। एलिजिबल नहीं होंगे तो पहले ही बता दिया जाएगा कि आप एलिजिबल नहीं हैं, तो आप मत ही ट्राई करिए, मत अप्लाई करिए, तो इसमें आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो मिनिमम एज, यानी कम से कम एज 18 साल यानी 18 ईयर्स होनी चाहिए है, और मिनिमम इनकम के बारे में इन्होंने कुछ बताया नहीं है साफ साफ कि मिनिमम इनकम कितनी होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने यहाँ पे हिंट दिया हुआ है कि अगर आपकी इनकम कम है तो फिर आप जो है ये फर्स्ट मिलेनियम क्रेडिट कार्ड पर जाइए, या फिर जो है फर्स्ट क्लासिक क्रेडिट कार्ड पर जाइए, मतलब वो क्रेडिट कार्ड अप्लाई करिए। और अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आप जो प्रीमियम क्रेडिट कार्ड की तरफ जा सकते हैं, जो इनके हाई वेरिएंट के क्रेडिट कार्ड उन पर जा सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने ये ज़रूर क्लियर किया हुआ है कि आपका जो सिविल स्कोर होना चाहिए, जो क्रेडिट स्कोर होना चाहिए है, वो 750 या फिर 750 के ज़्यादा होना चाहिए, मतलब 750 या फिर 750 से ज़्यादा आपका सिविल स्कोर, आपका क्रेडिट स्कोर होना चाहिए, तब आपको ये क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। और इंटरेस्ट चार्ज के बारे में बात करें, जिसको हम फाइनेंस चार्ज भी कहते हैं, तो ये 0.75% से ले करके 3.5% पर मंथ तक हो सकता है, और पर एनम 9% से लेकर के 42% तक हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है आपकी क्रेडिट प्रोफाइल पर। तो जब आपको क्रेडिट कार्ड रिसीव होता है तो आपको पता चल जाता है कि आपसे क्या इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। इसके अलावा IDFC फर्स्ट बैंक ने इंटरेस्ट फ्री कैश विड्रॉल्स की फैसिलिटी दे रखी है कि आप चाहें तो अपने क्रेडिट कार्ड से इंटरेस्ट फ्री कैश विड्रॉल कर सकते हैं, मतलब कैश निकाल सकते हैं ATM से, इंटरनेशनल या फिर जो है डोमेस्टिक, तो आपसे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। लेकिन मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, इन्होंने यहाँ पे बता रखा है कि 48 दिनों तक कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा, फिर भी मैं कभी रिकमेंड नहीं करता हूं कि आप अपने क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल करें, मतलब कैश निकालें, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे साफ साफ बता रखा है कि पर ट्रांजेक्शन पर, मतलब हर कैश निकालने पर आपको 250 रुपये, मतलब कि 250 रुपये प्लस GST चार्ज देना होगा, तो चार्ज तो जाएगा ना। ओवर लिमिट चार्जेस के बारे में बात करें, तो ये चार्ज हमसे तब लिया जाता है जब हम अपने क्रेडिट कार्ड से लिमिट से ज़्यादा खर्च कर देते हैं, लिमिट से ज़्यादा स्पेंड कर देते हैं। तो आपको 2.5% ऑफ द ओवर लिमिट अमाउंट, मतलब जितना आपने अपने क्रेडिट कार्ड से ओवर लिमिट में खर्च किया हुआ है, उसी के 2.5% लिया जाएगा, लेकिन कम से कम 500 रुपये का चार्ज आपसे लिया जाएगा, प्लस GST, जितने भी फीस और चार्जेस हैं सब पे GST लिया जाएगा। हाँ, तो आप लोगों को मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ कि मान लीजिए कि आपने अपने क्रेडिट कार्ड से कम ही जो है ओवर लिमिट स्पेंड किया है, बहुत कम खर्च किया है, जो ओवर लिमिट में आपने अमाउंट खर्च किया है वो कम ही है, तो ऐसे में 500 रुपये कम से कम जो है चार्ज लिया जाएगा, मतलब 2.5% कैलकुलेट किया गया, 500 रुपये से कम हो रहा है तो फिर 500 रुपये प्लस GST चार्ज लिया जाएगा, और अगर जो 500 रुपये से ज़्यादा हो रहा है 2.5%, तो फिर 2.5% प्लस GST चार्ज लिया जाएगा। लेट पेमेंट चार्जेस 15%, यानी कि 15% ऑफ द टोटल अमाउंट ड्यू, मतलब आपका जो टोटल अमाउंट ड्यू है उसी के 15% आपसे लेट पेमेंट चार्ज लिया जाएगा। फॉरेक्स मार्कअप, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से किसी फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस ट्रांजेक्शन के 3.5%, मतलब 3.5% आपसे जो है ये फी ली जाएगी। और बात करें इस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फ़ी और एनुअल फ़ी की, तो वो कुछ भी नहीं है, नील है, मतलब कि ये क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री है। तो ये था दोस्तों IDFC फर्स्ट बैंक का फर्स्ट मिलेनिया क्रेडिट कार्ड, जिसके बारे में आप लोगों को मैंने पूरी जानकारी दे दी। अब कंक्लूजन पे आते हैं।
मैं अपने ओपिनियन के बारे में बात करूं तो ये क्रेडिट कार्ड काफ़ी बेहतरीन क्रेडिट कार्ड है, क्योंकि इस क्रेडिट कार्ड के लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना होता, मतलब कोई ज्वाइनिंग फ़ी या फिर एनुअल फ़ी नहीं है। और यही एक ऐसी फ़ी होती है जो हमसे ली जाती है भले ही हम कुछ भी करें, मतलब अगर किसी क्रेडिट कार्ड के लिए कोई ज्वाइनिंग फ़ी या फिर कोई एनुअल फ़ी है तो फिर तो वो हमें देनी ही होगी। हाँ, अगर उस पर कोई शर्त है, नियम या शर्त है कि हाँ आपने जो है साल भर में या फिर जो है 6 महीने में या फिर 90 दिनों में इतना खर्च कर लिया तो फिर माफ़ है या फिर लाइफ टाइम फ्री है, तो उसकी बात अलग होती है। लेकिन यही एक ऐसी फ़ी होती है जिसके बारे में हम आमतौर पर बात करते हैं, क्योंकि यही फ़ी हम बचा नहीं पाते हैं। और बाकी जो दूसरे फीस या चार्जेस होते हैं उनसे तो हम बच सकते हैं किसी तरह से। मान लीजिए इंटरेस्ट चार्ज है तो हम अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर करें तो कभी हमसे नहीं लिया जाएगा। कैश विड्रॉल चार्ज है तो हम अपने क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल करें नहीं, कभी नहीं लिया जाएगा। और लेट पेमेंट चार्ज है तो हम अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट कभी लेट करें नहीं, कभी नहीं लिया जाएगा। इसी तरह से आप दूसरे चार्जेस जो है उनसे बच सकते हैं, दूसरे फीस उनसे बच सकते हैं। लेकिन ये जो एनुअल फ़ी या फिर ज्वाइनिंग फ़ी होती है तो अगर इनमें शर्त ना हो तो फिर इससे बचना नामुमकिन होता है। तो इसलिए आमतौर पर इसी को देखा जाता है कि कितनी है एनुअल फ़ी या फिर ज्वाइनिंग फ़ी कितनी है। तो इसके लिए कोई भी आपको ज्वाइनिंग फ़ी या फिर एनुअल फ़ी नहीं देनी होती है, और आपको इसमें ज़बरदस्त रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलते हैं। तो इस क्रेडिट कार्ड के लिए कोई ज्वाइनिंग फ़ी या फिर कोई एनुअल फ़ी नहीं है, और इस क्रेडिट कार्ड में आपको ज़बरदस्त फीचर्स और बेनिफिट्स भी मिलते हैं, बहुत बेहतरीन आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। जो रिवॉर्ड पॉइंट्स का सिस्टम है इनका वो बहुत अच्छा है। तो इस तरह से देखा जाए तो इस क्रेडिट कार्ड के लिए हमें कोई चार्ज नहीं देना होगा और इससे फ़ायदे के फ़ायदे मिलेंगे, तो ये क्रेडिट कार्ड बेहतरीन क्रेडिट कार्ड बन जाता है। तो अगर आपको अप्लाई करना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करिए, धनाधन अप्लाई करिए, और तेज़ी से क्रेडिट कार्ड मिल रहा है। जो लोग सिटीज़ से बिलोंग करते हैं उनको अच्छे से मिल जा रहा है, अगर सिविल स्कोर स्ट्रॉन्ग हुआ तो। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक्स वॉचिंग, बाय बाय।